नमस्ते दोस्तों, अगर आप घर पे ही बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि फ्लैश कार्ड्स बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि डूज एंड डोंट्स ऑफ मेकिंग फ्लैश कार्ड्स, और साथ ही उनको आप कैसे बहुत आसानी से घर पे ही लैमिनेट करके सालों साल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा ये आई बटन में दिए हुए वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने का सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये दोनों वीडियो कनेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड है एक न्यूज़पेपर, एक स्केल, लैमिनेशन रोल या फिर लैमिनेटिंग पाउचेस ऑनलाइन मिलते हैं या स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाते हैं, वो ले लीजिए। फिर मार्कर ले लीजिए, रेड, ब्लू, ब्लैक या मोटे स्केच पेंस ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, A4 शीट ले लीजिए। A4 शीट मोटी नहीं है तो ऑनलाइन इंडेक्स कार्ड्स मिलते हैं, वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ड्राइंग बुक ली है, ड्राइंग शीट्स मोटी होती है, मैं वो यूज़ करूँगी। फाइनली आयरन। अब आप ड्राइंग बुक से शीट्स निकाल लीजिए, जितने कार्ड्स बनाने हैं उस हिसाब से आप शीट्स निकाल लीजिए। अब इन शीट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड करिए, यानी कि एक शीट से बनेंगे चार कार्ड्स। आप बड़े साइज़ के इसलिए बनाइए क्योंकि छोटे बच्चों की विजन बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, वो फोकस कर पाएंगे अगर आप बड़े कार्ड्स बना के बड़ा बड़ा उस पर लिखेंगे। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये 14x10 का कार्ड है, यानी अगर आप A4 शीट पे बना रहे हैं तो करीब इतने ही का बनाइए, 14x10 या 15x10 का बनाइए। अब आती है इन पे लिखने की बारी। आप हमेशा हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स लीजिए, जैसे वाइट शीट पे ब्लैक, ब्लू या रेड से लिखिए। शीट का बेस हल्का लीजिए या अगर डार्क बेस की ले रहे हैं तो हल्के कलर्स से लिखिए। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ और साइंटिफिकली भी यही प्रेफर किया गया है कि लाइट शीट होनी चाहिए और उस पर हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर होना चाहिए, यानी दिखने वाला कलर होना चाहिए। अब अगर आप नंबर के फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं तो ध्यान रखिए ज़ीरो से शुरुआत करें, 0 से 10 तक या 20 तक, जिस हिसाब से आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। फिर अल्फ़ाबेट के आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, और देखिए जैसे मैं यहाँ पे डबल लाइन कर रही हूँ जिससे बोल्ड रहे और बच्चे को दिखे। इसी तरीके से आप एनिमल्स, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, किसी के भी बना सकते हैं फ्लैश कार्ड्स। आप चार्ट ले लीजिए जो मार्केट में रेडीमेड आते हैं, अच्छी क्वालिटी के लीजिए जिसमें अच्छी साफ क्लीन और बड़ी पिक्चर्स दी हूँ। मैं यहाँ पर मैजिक पॉट मैगजीन से पिक्चर कट कर रही हूँ। इस मैगज़ीन के बैक पेज पर नर्सरी एल्बम रहता है हमेशा, और इस मैगज़ीन का भी मैंने पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दे रखा है, आप आई बटन में जाके लिंक से ज़रूर चेक करें। अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ इस फ्लैश कार्ड पे इस तरीके से। अब आप इन फ्लैश कार्ड्स के पीछे नाम लिख दीजिए, जैसे कटल फिश का पिक्चर है तो मैं कटल फिश लिख रही हूँ, सी हॉर्स में सी हॉर्स लिख दूंगी पीछे की साइड। इसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न कि जब आप बच्चे को फ्लैश कार्ड्स पढ़ाते हैं, फ्लिप करते हैं, तो आपको पता रहता है कि आप कौन सा फ्लैश कार्ड उसे दिखा रहे हैं, और दूसरा रीज़न कि वो खुद भी पढ़ सकता है, जब बड़ा होगा तो रीडिंग करने लगेगा, खुद पढ़ लेगा। अब आती है इनको लैमिनेट करने की बारी। मैंने आयरन को कॉटन की सेटिंग पे किया है, यानी थोड़ा हाई हीट कॉटन वाली सेटिंग जो होती है उसमें रखिए। अब आप ले लीजिए न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर याद रखिए कि बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं, मतलब आप बीच के दो शीट्स ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने बीच की दो शीट्स ली हैं। अब जब इनको हम फोल्ड करेंगे तो ये चार लेयर्स हो जाएंगी। अब आप लैमिनेशन रोल ले लीजिए और उसमें अपने जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ये साइज़ के दो फ्लैश कार्ड्स इतने रोल में आ सकते हैं, मैंने इनको रखा है और साइड से करीब 1-1 इंच की स्पेस छोड़ दी है, जिससे जब लैमिनेट करके हम कट करें तो वो खुले ना, तो 1-1 इंच की स्पेस साइड्स में ज़रूर छोड़ें। पेपर को स्मूद आउट करके उसको आयरन करें, और याद रखिए एक ही डायरेक्शन में आयरन करिए, दबा के आयरन करिए। इस तरीके से धीरे से आप दबाते हुए एक ही डायरेक्शन में, इससे कम रिंकल्स पड़ेंगे, कम सिकुड़न आएगी लैमिनेट करते टाइम। अब इसको खोल के चेक करें। मैंने खोल के चेक किया तो कॉर्नर्स यानी कि जो एजेस हैं वो अभी भी बाकी हैं, तो ये खुलने का डर रहेगा। इसको एक बार और मैं करूँगी इस तरीके से। अब आप इसको कट कर लीजिए
चारों एंड से, इनफैक्ट तीन एंड से, ऊपर वाला एंड तो ऑलरेडी सील्ड है, तो तीन एंड से आप इसको कट कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसके एजेस को राउंड करना मत भूलें, एजेस स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हाथ में लिया तो लगने का डर हो सकता है। और अब फाइनली कॉर्नर में करिए पंच और इस तरीके के रिंग डाल दीजिए स्टील के, या फिर जो की चेन होता है उसका रिंग वो आप डाल सकते हैं, इससे ये मिसप्लेस नहीं होंगे, सिक्योर रहेंगे। आप जितने सिंपल फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे उतना अच्छा रहता है, डेकोरेटिव बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा फिर जो लिखा है उसी पे फोकस करेगा, उसका ध्यान नहीं भटकेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए। नमस्ते।